हेलो फ्रेंड्स, आज हम यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन सीजी का ये डिस्कस करेंगे। लियांग बार्स का एल्गोरिदम का यूज़ करके, ये एल्गोरिदम मैंने लास्ट वीडियो में ये पूरा अच्छे से डिस्कस किया था। बहुत ही इजी एल्गोरिदम है ये। बस क्वेश्चन देखने में बहुत हमें अजीब सा लगता है या बड़ा लगता है, लेकिन बहुत ईजी है। प्लीज़ एक बार वो वीडियो जरूर देख लें सबसे पहले। तो क्या है इस एल्गोरिदम में कि जो हमारा ये लियांग बार्स का एल्गोरिदम है वो पैरामेट्रिक इक्वेशन यूज़ करता है, ठीक है जी। तो लाइन क्या है, एक्स वन कोई भी पॉइंट होएगा ए बी, ठीक है ना, ए एंड बी, ठीक है। तो विंडो कोऑर्डिनेट्स होंगे ये चीज़, एक्स मिनिमम, एक्स मैक्सिमम, वाई मिनिमम एंड वाई मैक्सिमम, ठीक है। तो क्या है, डेल्टा एक्स भी इन्होंने बताया हुआ है, हमें सब कुछ दे रखा है जो कि एल्गोरिदम में होता ही है। तो लाइन के एंड पॉइंट्स कौन से हैं, माइनस वन ए क्या है, माइनस वन एंड सेवन, बी हमारे पास है इलेवन एंड वन। तो डेल्टा एक्स क्या होता है, सबसे पहले डेल्टा एक्स होता है एक्स टू माइनस एक्स वन, डेल्टा वाई वाई टू माइनस वाई वन। डेल्टा एक्स क्या होएगा, इलेवन, ठीक है, माइनस माइनस वन तो ट्वेल्व हो जाएगा, और प्लस के ट्वेल्व। डेल्टा वाई क्या होएगा, वन माइनस सेवन माइनस सिक्स, ठीक है जी। तो ये एल्गोरिदम मैं एक बार आपको एल्गोरिदम भी दिखा देती हूँ। क्या है, एक्स हमें दो एंड पॉइंट्स चाहिए, उसके विंडो के कोऑर्डिनेट चाहिए, देन हमारे पास जो पैरामीटर है क्यू के डिवाइडेड बाई पी के हमने फाइंड करना है। पी की वैल्यू, सॉरी के की वैल्यू, के कांस्टेंट है जीरो वन टू थ्री, फोर केसेस लेने हैं हमने। ये जीरो से शुरू होएगी और वन मैक्सिमम वैल्यू होएगी, जीरो मिनिमम वैल्यू होएगी, ठीक है। तो ये वाली वैल्यूज मेनली हमने फाइंड आउट करनी है, पी जीरो, पी वन, पी थ्री तक और क्यू वन। तो इससे यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले पी पी जीरो क्या होएगा हमारे पास, वो माइनस माइनस ट्वेल्व, पी वन पॉजिटिव ट्वेल्व, ठीक है। पी टू क्या होएगा, माइनस डेल्टा वाई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और पी थ्री क्या होएगा हमारे पास, माइनस डेल्टा, सॉरी पॉजिटिव डेल्टा वाई है तो माइनस सिक्स आएगा। अभी हम फाइंड आउट करेंगे क्यू ज़ीरो। क्यू ज़ीरो क्या है हमारे पास, मैं एक बार आपको बता देती हूँ, डेल्टा एक्स माइनस पॉजिटिव डेल्टा एक्स डेल्टा वाई एंड नेगेटिव डेल्टा वाई एंड डेल्टा वाई, ठीक है। क्यू नॉट क्या होएगा, एक्स ज़ीरो माइनस एक्स मिनिमम, मीन्स कि एक्स वन, ठीक है। हमारे यहाँ पर मैक्स वन कंज्यूम करने के, क्यू वन क्या होएगा, एक्स मैक्सिमम माइनस एक्स वन। क्यू टू क्या होएगा, ये लेफ्ट है, ये मैंने सारा पिछले वीडियो में, आप पहले प्लीज इस एल्गोरिदम को समझने के लिए उस वीडियो को जरूर देखें। क्यू थ्री वाई मैक्सिमम माइनस वाई जीरो। तो हमारे पास क्या है, माइनस का वन माइनस वन इज इक्वल्स टू माइनस टू, ठीक है। नाइन माइनस माइनस वन जीरो, ये हमें वैल्यू गिवन है। एक्स मिनिमम, एक्स मैक्सिमम, ठीक है, और वाई वन ले लो आप इसमें, क्योंकि हमने वाई वन और वाई एक्स वन दिया हुआ है इन्होंने। तो क्या होएगा, वाई वन सेवन माइनस टू इज इक्वल्स टू फाइव एंड एट माइनस सेवन, एट माइनस
7 1, ठीक है। अभी हमने देखना है ये फोर केसेस हमारे पास है, P0, P1, P2 एंड P3। हमारे पास एल्गोरिदम में क्या होता है कि हमने चेक करना होता है कि P0 के इक्वल्स तो नहीं है, अगर P0 के इक्वल है या नहीं है, ठीक है। अगर फिर देन फर्दर केसेस होंगे लेस देन पी के, अगर लेस देन जीरो है तो ग्रेटर देन जीरो है, तो हम बताएंगे कि कहाँ पे है वो लाइन हमारी। P0 हमारे पास, ठीक है, एंड P3 ये माइनस के हैं तो लेस देन जीरो हुए, ठीक है। P1 एंड P2 ग्रेटर देन जीरो हुए, ठीक है जी। हमारे पास ये पॉइंट हमारे केसेस बन गए। लेस देन जीरो हमारे एल्गोरिदम में क्या बताया हुआ है कि अगर लेस देन जीरो है तो उसे मैक्सिमम कंसिडर करना है, जो ग्रेटर देन जीरो उसे मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो इनिशिएट कैसे करना है, T0 इज इक्वल टू जीरो, जो हमारे पास T1 1, मतलब जीरो मिनिमम वैल्यू होएगी, जीरो से लेकर रेंज होएगी हमारी वैल्यू की 1 तक, ठीक है। तो इसमें भी हमें दे रखा है, ये चीज़ हमें दे रखी है मिनिमम और मैक्सिमम। हमारे पास इनिशियली क्या होगा, T0 इज इक्वल टू जीरो होएगा, T1 क्या होगा 1, जीरो से 1 तक रेंज होएगी। तो अभी क्या है कि हमारे पास ये वैल्यू जो होएगी लेस देन जीरो, ये मैक्स कंसिडर होएगी, ये मिनिमम, ठीक है, मैक्सिमम एंड मिनिमम। तो T0 क्या होएगा इज इक्वल्स टू मैक्स, ठीक है, जीरो Q0 डिवाइडेड बाय P0। जो हमारे पास फॉर्मूला है वो क्या होता है, U इज इक्वल टू Q अपॉन P, ठीक है। तो Q3 एंड P3, ठीक है जी। तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, ये ज़ीरो माइनस के Q0 क्या है, माइनस के 2 है, माइनस 2 डिवाइडेड बाय P0 माइनस 12 एंड Q3 1 डिवाइडेड बाय माइनस 6, ठीक है। तो हमारे पास ये वैल्यू क्या आएगी, 1/6 आ रही है हमारे पास वैल्यू। तो T1 इज इक्वल्स टू मिनिमम 0, तो इसमें P1 एंड P2 कंसिडर होंगे मिनिमम में, ठीक है। Q1 डिवाइडेड बाय P1, Q2 डिवाइडेड बाय P2, ठीक है जी। तो वैल्यू हमारे पास आएगी ये मैक्स ये मिनिमम, ठीक है, 0 10/12 एंड 5/6, तो ये भी कट करके 5/6 आ रही है हमारी वैल्यू, जो 1/6। तो रेंज क्या होगी यू की, 1/6 मैक्स एंड मिनिमम। ये हमारे पास यू की रेंज आ जाएगी 1/6 एंड 5/6, ठीक है। तो ये बोली हमारी ऑप्शन उसमें थी, बी हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये कट कर गया हमारे 10/12 5/6 के इक्वल आ रहा है, 1/6 आ रहा है, ठीक है जी। ये हमारे पास रेंज आई, तो ये हमारा सोल्यूशन है। अगर आप किसी भी और क्वेश्चन का, किसी का डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें मुझे मैसेज कर कमेंट कर सकते हो, तो मैं वो क्वेश्चन डिस्कस कर दूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।